वो हमारा ये वाली दिक्कत है, ये तो हम घर बैठे ऐसे ही कर सकते हैं कि जो जो एरिया वगैरह आ रहा है ना कि आप कवर मत कीजिए, लॉक होने में प्रॉब्लम आ रही है, उसको तो हम सेटिंग में जाएंगे। तो जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया कि जब भी हम अपने फ़ोन का लॉक खोलते हैं तो ये डोंट कवर ईयरफोन एरिया का एक मैसेज आता है, फिर हमें वॉल्यूम अप वाला बटन दबा के इसको क्लियर करना होता है, ठीक है। तो इसको ठीक करने की 3-4 ट्रिक हैं, ठीक है। लेकिन ये शुरू करते हैं कि आता कहाँ से है, अगर बात करें कि ये चीज़ होती क्यों है, तो ये सेंसर जो होता है फ़ोन का ना, वो धूल मिट्टी से कवर हो जाता है, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। सेंसर कवर होने के भी 3-4 कारण होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्या होता है, जैसे अगर मान लीजिए कभी हमने ग्लास चढ़वाया हुआ है फ़ोन के ऊपर, तो ग्लास जो है वो सेंसर को कवर कर लेता है, ठीक। कुछ टाइम के बाद वो क्यों हो जाता है, धूल मिट्टी पड़ जाती है, तो आपने यहाँ से ये सेंसर एरिया साफ़ करके देख लेना है। फिर भी नहीं हुआ तो आपने जो फ़ोन का जो प्रोटेक्शन ग्लास होता है वो निकाल के देख लेना है, ठीक है। ये तो हो गया एक, ठीक है। दूसरा क्या होता है, जब कभी भी हमारे फ़ोन की डिस्प्ले टूट जाती है या फिर हमारे फ़ोन का ग्लास टूट जाता है, हम चेंज करवाते हैं या डिस्प्ले चेंज करवाते हैं, तो जब भी शॉपकीपर आपके फ़ोन को ठीक करता है तो यहाँ पे ग्लू भर जाती है, क्योंकि ये ग्लू से जुड़ता है ना स्क्रीन जब नहीं डालते हैं, तो उस वजह से ऐसी प्रॉब्लम होने लग जाती है। और एक तो ये दिक्कत आती है कि जब हम लॉक ओपन करते हैं ये इस चीज़ का सामना करना पड़ता है, दूसरा जब हमें कॉल आती है तो हमारी स्क्रीन एकदम बंद हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे हो जाती है तो सेंसर काम करना बंद कर देता है, ठीक है, कॉल आने पे। तो जो हमारा ये वाली दिक्कत है, ये तो हम घर बैठे ऐसे ही कर सकते हैं कि जो जो एरिया वगैरह आ रहा है ना कि आप कवर मत कीजिए, लॉक होने में प्रॉब्लम आ रही है, उसको तो हम सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग के बाद आपने क्या जाना है, ये रेडमी के फ़ोन में है बता रहा हूँ, और फ़ोन में भी शायद यही होगा क्योंकि एंड्रॉयड है सेम, तो आपने लॉक स्क्रीन में जाना है। यहाँ पे नीचे जाएंगे तो यहाँ पे एक पॉकेट मोड आएगा, आपने उसको ऑफ कर देना है, ठीक है। तो ये जो लॉक वाली दिक्कत है वो तो आपकी यहाँ से क्लियर हो जाएगी, ठीक है, आपको दोबारा से दिक्कत नहीं आएगी। ये वाली देख लीजिए, ठीक है, आप जैसे मर्जी लॉक खोल सकते हो। लेकिन रही बात आपकी जो कॉल आएगी या आप किसी को फ़ोन लगाओगे, तो आपका यहाँ पे सेंसर ढका हुआ होगा तो स्क्रीन ऑफ हो जाएगी फिर, ठीक है। तो उसके लिए शॉपकीपर के पास ही आपको जाना पड़ेगा, अगर आपने फोल्डर डलवाया हुआ है तो वो उसको क्या करना होगा, वो खोल के देखेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने ये फ़ोन पहले भी सही खोला हुआ है। तो शॉपकीपर मतलब दुकान वालों ने क्या करना है, या तो फिर आप सेंसर उखाड़ दो, अगर सेंसर बोर्ड में लगा है तो सेंसर उखाड़ना पड़ेगा, ठीक है, या फिर यहाँ से स्क्रीन में देखना पड़ेगा कि अच्छे से ठीक हो जाएगा या नहीं। अगर ऐसा नहीं है, ये होता है सेंसर, ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो आपको क्या करना होगा, आपको अपनी जो डिस्प्ले जहाँ पे लगी हुई है ना, तो वहाँ पे एरिया देखना है कि कितना सही है, मतलब कितना गैप है उस एरिया में, ठीक है, तो उसको ठीक करना पड़ेगा आपको। जैसे मैंने यहाँ पे साफ़ किया, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे बहुत सारा मैंने साफ़ कर दिया है, लेकिन जो डिस्प्ले नीचे से ऊपर वाली है ना उसमें दिक्कत है, वो डिस्प्ले यहाँ पे थोड़ी बड़ी है, ये इतना एरिया है ना, यहाँ से डिस्प्ले ऊपर निकली हुई है, तो इसका कोई हल नहीं है, डिस्प्ले ही चेंज करनी पड़ेगी दोबारा से। तो इतना हम खर्च नहीं करेंगे कस्टमर का, तो उसने बोला कि मुझे कॉल से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या करें, अब उसने डलवा ली है स्क्रीन, तो इतना तो बेचारे को करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे हम सेंसर की ये लगाएंगे, ठीक है, उसके बाद हम लगा देंगे यहाँ पे सेंसर पत्ता, ये लग गया। तो फिर क्या करना है हमने, ठीक है, अगर कॉल से बचना है तो यहाँ पे हम ऐसे टेप लगा देंगे एक यहाँ पे, तो जब कॉल भी लगेगी तो ये कवर नहीं करेगा, लाइट जगती रहेगी। इसका बस एक ही डिसएडवांटेज होगा कि कॉल जब हम कान पे लगाएंगे फ़ोन, तो और फीचर खुलते रहेंगे फ़ोन के, ठीक है, बस यही दिक्कत आएगी। और जो हमारा फ़ोन बंद होता था जब कॉल आती थी, तो वो डिस्प्ले ऑफ होने वाली प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आपने यहाँ पे इसको लगा देना है, बस इतना सा काम है। अगर आपको लॉक खोलने वाली ही दिक्कत है, उसकी वही परेशानी हो रही है, तो फिर आपको कोई इतना ज़्यादा नहीं करना, आपने बस पॉकेट मोड में जाना है, मतलब लॉक स्क्रीन में जाना है यहाँ पे, ठीक है, सेटिंग में जाना है, एक बार फिर बता रहा हूँ,
फिर आपने यहाँ पे अपने लॉक स्क्रीन में जाना है, तो पॉकेट मोड है ऑन होगा, इसको ऑफ कर देना है, ठीक है, तो आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है।